अस्सलामुअलैकुम गाइस, अली असगर एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत वेलकम। तो कैसे आप लोग? हम लोग भी मस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। और बताओ कैसे? और अब सो गाइस, मेरी बेटी आ गई है और देख तेरा भाई सोया पड़ा है। अली उठो, उठ, चल उठ। तेरी तो जब भी आती है सोता रहता है, उठ चल। आज अल्लाह दांत टूट गए और अम्मा अगर खिड़की खुल गई है। लग गया उसको बहुत जोर का, लग गया बेटा। देख दीदी को लग जाएगा। उठ उठ उठ, दिखाओ दीदी को। थोड़ा फैशन खराब हो गया मम्मा का, थोड़ा खराब हो गया। इधर हंसेगा तो खिड़की खुली हुई है। बहुत जोर का लगा उसको। ट्यूशन जाने का, उठो उठो, इंग्लिश का पेपर है। मिला भी नहीं, पप्पी नहीं दिया बेबी को। नहीं अभी अभी सोएगा नहीं बेटा, उठेगा नहीं, फिर रात को सोएगा नहीं, फिर अभी उठेगा तो। मस्ती कर रही है दीदी, चल उठो। एक्टर एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर है। चली गई, अब मैं प्यार नहीं करूंगी तेरे को। निदा, तेरी एक फेवरेट चीज बनाई हूँ, पता है? मैंने बनाई हूँ तेरे लिए झींगा मसाला और मटर पुलाव। वो दिन से खाना था ना तेरे को। सीखे पर अभी अभी नहीं खाऊंगी मैं। भूख लगी है देखो? नहीं, मैं ट्रैवलिंग करके आती हूँ ना, मुझे बहुत एसिडिटी हो जाती है। क्यों बेटा? तो तू थोड़ा रेस्ट कर बेटा, रेस्ट कर, ट्रैवलिंग करके रेस्ट कर। रेस्ट करती हूँ। हाँ चल, फिर खाऊंगी ढेप ढेप के। चल ठीक है, चल। सो गाइस, सोफे वाले आ गए हैं। यहाँ का मेजरमेंट लो, यहाँ से सोफा आने जाने का होएगा क्या? नीचे कुछ अटका होगा। देखो मेन क्या ना, सोफा निकालते हैं ना तो ये इधर अटकता है, ये यहाँ से यहाँ पे अटकता है। देखो ये क्रॉस में, तो क्रॉस में देखो मेजरमेंट। ऐसा सीधा सीधा निकले, क्योंकि वो हिसाब से फिर आर्म्स रखना पड़ेगा, क्रॉस करके डालना पड़ेगा। तो मैं वही बोल रही हूँ, ऐसा रखो कि निकल जावे स्ट्रेट स्ट्रेट, जिसमें पैर, पहले के सोफे में ना हम लोग को पैर खोलना पड़ता था, फिर बाद में निकालना पड़ता था। तो इसमें पैर नहीं रहेगा, इसमें पैर नहीं रहेगा। बेड मेरा ये साइड पे चाहिए। हाँ, और वहाँ पे एल, वो तुम्हारा एल वो साइड पे। हाँ, लेकिन ये खुलने के बाद पूरा 6 फीट का खुलेगा ना, क्योंकि ऐसे को भाई ऐसा ऐसा सोने का, ऐसा ऐसा। हाँ वो स्टोरेज वहाँ रहेगा बराबर। यहाँ तक आएगा कितना फीट हो रहा है? वो 6 फीट यहाँ तक हो रहा है। 6 फीट हो रहा है। अच्छा, 6 से 7 फुट जितना गादी रखी हुई है। हाँ, इतना पकड़ के चलिए कि इतने में इतने में। ये गादी 6 फीट की है? नहीं, गादी तो 5-6 फीट की है। गादी 6 फीट की है भाई। बाकी का जो इधर का रहेगा, हाँ ये कितने फीट का रहेगा? 9 फीट का रहता है। कहाँ तक आएगा वो? पकड़ू क्या मैं वहाँ पे? एक मिनट रुको। सो गाइस, मेरी बेटी आई है वॉलपेपर सिलेक्ट करने के लिए घर के लिए। यस, ये भी अच्छा लग रहा है मम्मा। कौन सा? लेकिन वो पेपर है उसमें का, ये इसका शायद से। नहीं, वो इसका डेमो है। कलर ऐसा मिलेगा? नहीं, वो सिर्फ डिजाइन जो है, लेकिन एक बार ऐसा लगेगा। एक ग्रीन में भी है, लाइनिंग लाइनिंग वाला, देखना इसके अंदर। नहीं, वो नहीं अच्छी है। नहीं अच्छी लग रही, इतनी खास है ऐसी टाइप्स में ना। हाँ, देखिए मैंने, नहीं अच्छी लग रही। अपना घर थोड़ा डार्क है ना, लाइट है ना, तो अपने को थोड़ा डार्क वॉलपेपर लेना पड़ेगा उधर सोफे के हिसाब से। अब बड़ी बुक खुल रही है, देख देख कौन सा। देखो ये सब वॉलपेपर्स है, सब वैरायटीज है अंकल के पास। अल्लाह, बेचारे मेरे डड्डू कैसा साफ सफाई कर रहे हैं ना। अरे हाँ ना बेटा, देखना अभी तुम लोग सो ही है ना बेटा। हाँ, एक्चुअली प्रैंक किया ना तुम लोग पे। हाँ देखो
नहीं एक्चुअली गाइस जब भी मैं आती हूँ ना, मैं और सुकैन जब भी यहाँ रुकते हैं तो डड्डू हर बार देखो हर बार एसी और फैन साफ करते कि मैं सुकून की नींद सो पाऊँ, सुफियान भी सुकून की नींद सो पाए, और हम लोग को लिटरली हम लोग 4-5 बजे तक सोते रहते, कोई नहीं आता डिस्टर्ब करने के लिए। तो डड्डू मम्मी अपना सब सामान लेके बाहर चले जाते हैं। अरे 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 अरे, बट एसी की कूलिंग ज्यादा अच्छी आ रही डड्डू पहले से। कितने दिन से साफ नहीं हुई। हाँ चलो अभी बिस्तर भी लगाने गए तुम्हारे को यहाँ का। हाँ एक यहाँ पे हमारे अब्बा जान है जो बिना बोले फैन साफ करते हैं, और एक बाहर हमारे आदमी है जिनको दो दो तीन तीन हफ्ता हो जाता है बोल बोल के वो साफ ही नहीं करते। पलंग के नजदीक है ना, वो बेचारे को लंबा पड़ता है। नहीं वो लंबा है, उसका सीढ़ी पे चढ़ के करेगा। आ जाओ आ जाओ, घर ही वैसा आई है, ज्यादा मेहनत नहीं कर। आइए आइए आइए, बोल रही हूँ कितने हफ्ते से मैं बोल रही थी कि फैन साफ कर दो फैन साफ कर दो। तुमने कितने हफ्ते बात की है? ये है अली का सैमसंग का आईपैड और तू मेरा आईपैड लेके बैठा है। हाँ ये ले तेरा फोन, चल मेरा दे। आराम से बैटरी नहीं तो बैटरी डाल उसके अंदर। भाई ये क्या बात हो गई, लिया मेरे लिए गया है वो, मेरा सपना पूरा हुआ है। मेरा सपना तो है। अच्छा तेरा भी सपना हुआ है पूरा? भाई तेरा सपना पूरा ऑलरेडी हो चुका है, तेरे को सैमसंग का टैब मिला है बेटा। हम लोगों को वो टाइम पे सैमसंग का टैब भी नहीं मिलता था। क्या मिलता? फोन मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। क्या बोल रही बेटा? देखो ना मेरा टैब लेके बैठा है, खुद का देखो कहाँ पे पड़ा है उसका। तूने बोली ना पास लेना तो उसको टैब देगी, ऐसा बोली तू? झूठ बोल रहे लोग। मैंने वैसे तो उसको बहुत कुछ बोली, पास होएगा तो दूंगी, बट ये होना चाहिए। अभी क्या पास फेल, जब बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स में आएगा, जैसे कि दसवीं में पास होएगा तो मैं जरूर दिलाऊंगी इसको आईफोन। तो इंशाल्लाह से खुद का बिजनेस चलेगा कुछ ना कुछ। दसवीं में? हाँ। नहीं तो मैं आईफोन दिलाऊंगी। मैं मेरे बच्चे को 10th में पास। हाँ आईपैड दिलाऊंगी पक्का प्रॉमिस, बट 10th में तेरे को अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा। आईफोन का रहेगा 20-30-40 चले जाएगा आईफोन। आईफोन का नया जनरेशन तो आएगा ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। तू आईफोन की दुकान खोलेगा? ठीक है मेरे लिए भी मंगा लेना। अच्छा अल्ट्रा प्रो मैक्स, दांत टूट गया बेटा संभालो, अल्ट्रा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे बिस्तर लग चुका है सुफियान और मेरा, अभी हम लोग यहीं पे बैठेंगे और तुम लोग बाहर जाके तुम लोग लगा दो अपना बिस्तर। हाँ और उसमें आप सुफियान तुम्हारी हेल्प करते बेचारे रोज। हाँ वो क्योंकि गदेला बहुत हैवी गदेला है। हाँ इंशाल्लाह जल्द से जल्द सोफा जाना नीदा जी पसंद का। यस फिर टेंशन ही नहीं है। करेक्ट। सो गाइस हम लोग का बिस्तर लग गया है और ये देखो ये सो गया है, और इसको देखो डेली रात का इसका रूटीन है, जब भी ये सोता है इसका ये है डेली, जब भी रात को सोता है इसको नीदा का ब्लॉग देख के ही सोता है। ये चलो सो जाओ बेटा फटाफट। हाँ बुखार चढ़ी है तुमको और क्या हो रहा है? हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। हाँ तो गाइस इसको बुखार चढ़ गई है, इसका बदन दर दर बुखार चढ़ी है उसको। और आपको कल बोला।